यूपी में मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक 24 घंटे में महज झांसी, मेरठ और वाराणसी में हल्की बूंदाबांदी हुई है। अच्छी बारिश के लिए लोगों को 3 से 4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उमस और गर्मी भी तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि लखनऊ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि लालीना और मई के आए चक्रवात के असर से बारिश का सिस्टम नहीं बन पा रहा है। तो वहीं केंद्र मौसम विभाग के अनुसार मानसून मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से होकर गुजर रहा है। इस कारण यूपी में बारिश नहीं हो पा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं यूपी में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। ये स्थिति 10 जुलाई तक ऐसी ही बनी रह सकती है। तो वहीं वेस्ट यूपी, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को यूपी के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं पसीने से लोग तरबतर भी देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार अभी इससे कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि कानपुर समेत झांसी, कन्नौज, एटा, फरुखाबाद, कानपुर देहात में 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।